हेलो एंड अ वेरी वेलकम टू सारा दिन टेलीविजन स्क्रीनस पे हम uh, इमरान ख़ान की अदालत में पेशी से मुतक कवरेज देखते रहे मैंने आज uh, जो वीलाग प्लान किया था वो कुछ रिलेटेड uh, था फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज बिलावल भुट्टो ने सीएनबीसी को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने तालिबान के बारे में और टीटीपी के बारे में बात की है और पीटीआई की हकुमत में और पीटीआई की हकुमत से पहले भी जो पाकिस्तान की एक स्टेट पॉलिसी रही है टूवर्ड्स पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान Uh, उसके बारे में कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स दी हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि क्योंकि नेशनल असेंबली में तो कोई डिबेट्स नहीं हो रही कहीं और मिनिस्ट्री ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स से तो कोई ब्रीफिंग्स नहीं आ रही लेकिन उन इंटरव्यूज़ के ज़रिए से ही हम कुछ समझ सकें कि इस वक्त हमारी स्टेट का हमारी गवर्नमेंट का पोलिटिकल स्टांस या पॉलिसी स्टांस क्या है ऑन अफ़ग़ानिस्तान और ये जो थ्रेट हमें बढ़ रही है टी टी की तरफ से इसको ये लोग कैसे हैंडल करना प्लान करते हैं बट दैट कैन वेट बिकॉज आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट था और दो प्रोटेक्टिव बेल्स का मामला था और इमरान ख़ान को दो तीन दिन से बल्कि पिछले तीन चार दिन से हम मुस्तकिल देख रहे थे काफ़ी प्रेशर का सामना था अदालतों की जानब से लाहौर हाई कोर्ट इन पर्टिकुलर कि आप ज़रूर पेश हों और प्रोटेक्टिव बेल तभी आपको इशू हो सकती है जब आप इन पर्सन आएं अगर अदालतें चाहती तो उनको इससे इन इस दे सकती थी बड़ी वैलिड रीजंस हैं उनको पहले भी गोलियां लग चुकी हैं उनके ऊपर असेसिनेशन असिनेशन हुई एवरीबडी uh, नोज़ कि उनको सिक्योरिटी रिस्क है और अभी भी उनके हेल्थ रीजंस हैं उस इंजरी का भी कम्प्लीटली कोई हील अप नहीं हुआ कि वो आराम से आ जाते लेकिन उनको हाउ uh, आई अंडरस्टैंड इट इज़ के क्योंकि जुडिशरी इस वक्त बहुत प्रेशर में है तो शायद उनकी भी मजबूरी थी कि वो इतना पुश तो करें इमरान खान को कि वो जमान पार्क से निकल के बाहर आए कुछ दिन पहले तक कुछ लोगों का तजिया ये था सीनियर uh, एनालिस्ट का कि जमान पार्क से ये बाहर पुश करना चाहते हैं इमरान खान को एक तो इट्स अ वे टू ह्यूमिलिएट हिम ऐसा नहीं हो सकता कि आपको घर बैठे प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए हालांकि हमजा को जो हमजा शहबाज हैं शहबाज शरीफ के बेटे हैं उनको बेसमेंट में होते हुए घर बैठे हुए भी बेल मिल चुकी है और इसके अलावा कई हाजरियों से एक आधा अगर मैं याद कराना चाहूँ तो आशियाना केस जो था शहबाज शरीफ के ऊपर उससे उनको हाजिरी से ससना दे दिया गया था और जब वज़ी अजम बन गए शहबाज़ शरीफ तब भी जो केसेस अभी आहिस्ता आहिस्ता बंद होने के करीब जा रहे थे उसमें उनको हाज़िरी से इसना दे दिया गया सो so अगर करना चाहते तो कर सकते थे लेकिन क्योंकि ये वक्त है इमरान ख़ान को प्रेशर में लाने का और हर तरफ़ से उनके ऊपर दरवाजे बंद करने का तो उसकी मैक्सिमम एफ़र्ट की जा रही है मेरा ज़ाती ख़याल ये है कि अदलिया पर बहुत टफ़ टाइम आने वाला है एक तरफ तो उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और बग़ैर इस चीज़ के कि वो ऑथेंटिक भी हैं कि नहीं हैं लीक करके एक बयानिया बनाया जा रहे हैं नून लीग की तरफ से कि जजेस हमारी मर्ज़ी के हो जाए सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह बिकॉज़ इवेंचुअली ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जनरेट हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शंस uh, को लेके इसका एंड हम यही देखेंगे सुप्रीम कोर्ट तशरी कर रही होगी आइन की बैठ के कि क्या सदर ने अपना अख्तियार किया जो इख्तियार इस्तेमाल किया वो ठीक था या नहीं था गवर्नर्स ने जो किया वो ठीक था या नहीं था क्या इलेक्शंस डिले हो सकते हैं और फिर लोगों के वो कमेंट्स के ये तो लिखा है आइन में कि नब्बे दिन में नहीं में ज़रूर कराने हैं लेकिन अगर नहीं कराया तो क्या होगा ये नहीं लिखा हुआ सो so, इतना केयस और कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है इस वक्त अराउंड द गवर्नेंस इन पाकिस्तान की पूरी स्टेट क्राइसिस में है लेकिन आज का दिन मुझे यूँ लगा कि जिस चीज़ से इस हकूमत को खौफ है इमरान खान की पॉपुलैरिटी से और ये कि लोग उनके साथ खड़े होते हैं और पिछले दिनों बहुत मन घड़त बातें भी हमने सुनी कि वो तो बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है ऑन सोशल मीडिया वरना इतने लोग नहीं हैं इमरान खान के साथ Uh, हमने ये भी सुना माजी में कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2020 में जब नवाज़ शरीफ बीमार थे हॉस्पिटल में होते थे और हम लोगों को बुलाते थे तो सौ लोग भी नहीं आते थे और उससे उन्होंने ये डिड्यूस किया कि असल में लोग फेसबुक और ट्विटर तक तो आपको सपोर्ट करते हैं लेकिन कोई बाहर आके मार खाने को और जेनविनली पोलिटिकल एक्टिविज़म करने के लिए तैयार नहीं है गो कि हमने पहले बहुत दफ़ा देखा है कि इमरान खान ने कितने जल किए सिक्सटी जल इन अ रो इस कमेंट से निकलने के बाद और उसके बाद भी जब भी कॉल दी लोग उनके पास गए लेकिन जब से उनके ऊपर अटैम्प्ट हुई एसेसिनेशन अटैम्प्ट उसके बाद दिस वॉज फर्स्ट टाइम कि अगर ट्विटर पे बुलाया भी गया था कॉल दी भी गई थी लोगों को तो लोग आए और लोगों ने आके ये बताया कि दे आर स्टिल देयर और नाइन्थ अप्रैल से लेके अभी तक उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई मुझे यूँ लगता है कि पीडीएम गवर्नमेंट जितना चीज़ों को टेस्ट करती है अगेंस्ट पीटीआई टी एंड इमरान खान उतना ज़्यादा लोग ज़ोर आवर तरीके से जवाब दे के ये बताते हैं कि दे नो व्हाट इज़ हैपनिंग और बहुत ज़्यादा चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो जाती हैं लोगों का आज साथ आना और बहुत पुरान तरीके से आना अहातः अदालत तक साथ आना उसके बाद असद उमर और शाह महमूद कुरैशी का अंदर जा के रिक्वेस्ट करना कि अंदर आना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी जजेस ने इंसिस्ट किया नहीं उनको अंदर ले कर आएँ इमरान ख़ान अंदर गए कोर्ट रूम का जो हाल था जिस तरह लोग वहाँ मौजूद थे वो ज़बरदस्ती लाए हुए लोग नहीं थे और उसके बाद फिर तवातुर से हमने देखा कि जितने भी सीनियर बुजर हैं गवर्नमेंट के उन्होंने जिस तरीके की बातें की उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ जाहिर थी अब फ्रस्ट्रेशन को निकालने का सीधा तरीका तो ये हो सकता है कि फिर आप कोई ऐसा काउंटर मूव करें जिससे लोगों में आपकी इज्जत बने जिसमें लोग वापस नॉर्मल सी की तरफ जाना शुरू हो जब लोगों को ये लगे कि ड्यू कोर्स आइन ले रहा है और हमें रास्ता मिल रहा है उन चीज़ों का जिसका हम हक रखते हैं यानी कि वोट डालने का तो शायद आपकी भी कभी बारी आ जाए इतनी इज़्ज़त मिलने की लेकिन एक तरफ तो आपने आइन को एक बहरान का शिकार किया हुआ है मुल्क की मीशत का आपने सत्यानाश कर दिया है और दूसरी तरफ आप मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात को ना सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं बल्कि उसको टफ़ टाइम दे रहे हैं फ्राम ऑल पॉसिबल एंगल्स जुडिशरी के लिए बहुत टफ टाइम आने वाला है और वो इसलिए कि जजेस को ये फैसला करना होगा अदलिया को यह फैसला करना होगा कि क्या उन्होंने नून लीग जिसकी हमेशा से ये आदत है कि वो जजेस को और कोर्ट्स को ब्लैकमेल करती है और ये बहुत रीसेंट एडिशन है ऑडियो और वीडियो की वरना उससे पहले दे हैव अ हिस्ट्री के डायरेक्ट हमला करना हो या आ, 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 आपने टेलीफोन कॉल्स करनी हो उनको प्रेशर डालना हो जो करना हो दे नो ऑल द टैक्टिक्स और उसके अलावा मैं किसी और वी में आपको ये भी बताऊँगी कितनी कि अहम पोजिशन पर बैठे हुए चीफ जस्टिसज़ के साथ इनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं तो जब इतनी फ्रेंडली जुडिशरी मिली हुई हो और अगर उसमें से कोई फिर भी इंसाफ करना चाहे तो वो उसको ब्लैकमेल भी करना जानते हों तो फिर अदलिया के लिए यकीन एक टेस्ट केस है या तो वो लोगों में अपनी एक इमेज रेस्टोरेशन के लिए कुर्बानी दें चाहे ऑडियोज़ आएँ चाहे वीडियोज़ आएँ जो मर्जी हो चाहे अहकाम आएँ वो हर हाल में आइन की बालादस्ती को इंश्योर करें या फिर अगर वो ब्लैकमेल होना चाहते हैं और लिप सर्विस दे के अपने आप को सेव करना चाहते हैं तो वो भी छुप नहीं सकेगा वो भी साफ़ नजर आ जाएगा लोगों को और साफ ज़ाहिर हो जाएगा इसके अलावा जो सदर ने एक इनिशिएटिव लिया था कि ट्वेंटी फरवरी को उन्होंने बुलाया इलेक्शन कमीशन को कि आप आएँ और आइन के मुताबिक जो गवर्नर्स अभी तक अपनी ड्यूटी नहीं कर सके इलेक्शंस कॉल करने की उसके बारे में आके मुझसे मुशावरत करें तो एक तवील डिले के बाद जिसमें उन्होंने कभी कहा हमारे पास रिसोर्स नहीं हैं कभी उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं कभी उन्होंने कहा कि हमारे पास वजारत दिफा की तरफ से भी कोई सिक्योरिटी नहीं है और जब उन्होंने देखा कि आखिरकार सदर खुद अपना इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए एक्टिव हो गए हैं तो भी उन्होंने उनके पास जाने से गुरेज किया इस वक्त बहस ये चल रही है कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 के तहत uh, जो अपना आइनी आए, अख्तियार इस्तेमाल करते हुए सदर पाकिस्तान ने खत लिखा है कि इलेक्शन कराए जाए नाइन्थ अप्रैल को के पी और पंजाब में अब आई कैन फोर्स यी उस पर ऑलरेडी कायरा साहब और कुछ और जो पोलिटिकल लोग हैं अभी तक किसी आइनी माहिर की मैंने राय नहीं सुनी इस पर उन्होंने इसको ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो कानून है ये तो इलेक्शन एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन इससे ऊपर है तो जब आप कानून और आइन में डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे तो जाहिर है बात एक दफ़ा फिर या बॉल एक दफ़ा फिर आइनी और कानूनी माहरीन की कोर्ट में जाएगी और वहाँ जाएगी तो आपको वही मिल जाएगा जो आप चाहते हैं यानी कि टाइम सो तो ये डिले टैक्टिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं मुस्तकिल सिर्फ इलेक्शंस से बचने के लिए और आप जितना इलेक्शंस से भागेंगे इस वक्त पॉलिसी डिसीजंस गवर्नमेंट को ऐसे लेने हैं जिसमें इंटरनेशनल फोर्सेस इन्वाल्व हैं चाहे आईएमएफ का मामला हो चाहे पाक यूएस रिलेशंस हो, इस वक्त हर कोई देख रहा है पाकिस्तान की एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरफ एंड एवरीबडी नोज एंड एवरीबडी इज़ टेलिंग दिस गवर्नमेंट कि वी नो यू आर नॉट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट और अगर ऐसा होता तो अमरीका पी को इंसिस्ट ना करता कि आप आके हमसे मिलें अपनी एक्नॉमिक टीम को भी लेके आइए और जो कुछ साइन होने जा रहा है उस पर हमें अपनी राय दें Uh, इसी तरह बिलावल भुट्टो को ये ना कहना पड़ता कि इमरान खान अभी भी हमसे मिल के बैठ जाएं अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आ जाती या मौलाना रहमान की गवर्नमेंट आ जाती तो आपको अंदाज़ा नहीं है वो इमरान ख़ान को कह रहे हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके साथ क्या होता सो पीपल्स पार्टी इज़ स्टिल फ्रेंडली विद यू एंड रेडी टू सेट विद यू विच मीन्स के एक ऑलिफ ब्रांच वो इमरान खान को दिखा रहे हैं और ये सब क्यों हो रहा है ये सब इसलिए हो रहा है कि इन द हाइंड साइड एवरीबडी कैन सी द पॉपुलरिटी ऑफ पी आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों दस महीनों बाद जब भी इलेक्शन होंगे पी टी आई विल बी बैक टू पार अनलेस आर टी एस बैठ जाए अनलेस मैनेज किया जाए अनलेस कंट्रोल किया जाए ये सारे हालात हम इसलिए इसके मुतमिल नहीं हो सकते बहुत लंबे अरसे तक क्योंकि एक तो मईत इससे जुड़ी हुई है दूसरा आपकी टेररिज्म इससे जुड़ी हुई है और आपकी फोर्सेस लाइक टीएलपी जब वो कॉल्स देना शुरू हो जाएं कि हम भी महंगाई के ख़िलाफ़ बाहर निकलने लगे हैं तो फिर समझ आता है कि वन के आफ्टर अनदर जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है आज ही टीएलपी ने कॉल दी है कि वो भी महंगाई के खिलाफ गलबा सत्ताईस फरवरी को मार्च करने लगे हैं एहतजाज की कॉल दे दी है उन्होंने और हमें सबको मालूम है कि जब टी निकलती है तो वो खुद तो निकलती नहीं है इन सारे हालात में अदलिया का रोल आई वुड से इट वंस अगेन बहुत मोन्यूमेंटल होगा बहुत इम्पॉटेंट होगा अदालत उज़मा सुप्रीम कोर्ट के जजेस इन सब तक ये मामला पहुँच रहे हैं इलेक्शंस के इन पे डिपेंड करता है ये मुल्क को किस जानब ले के जाते हैं और अगर ये भी अपना रोल प्ले नहीं करते तो केस जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट होगा जो सोशल लेवल पे डिसऑर्डर होगा वो वो फिर कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा वो फिर आप इमरान ख़ान से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने लोगों को कहें कि आप ऐसा ना करें बिकॉज़ फिर ये एक जमहूरियत की लड़ाई बन जाएगी फिर तो ये एक आईनी बाला दस्ती की लड़ाई बन जाएगी और फिर आपको बहुत खुल के ये सामने आके बताना पड़ेगा कि क्या इस वक्त आइन सस्पेंडेड है क्या इस वक्त पाकिस्तान में आइन की कोई वक़त है और अगर आइन सस्पेंडेड है तो स्टेट क्या है इस वक्त हम किस दौराहे पे खड़े हैं हम क्या डिक्लेयर करें दुनिया को दूसरा आप दुनिया में मैसेज क्या दे रहे हैं इमरान खान की हर पेशी को इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है साथ उसकी बैकग्राउंड भी लिखता है तो आपके आपने 60 एफ आई आर्स दहशत गर्दी से रिलेटेड अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर पे जिस तरीके से काटी हैं डू यू थिंक द वर्ल्ड डजन अंडरस्टैंड क्या आपको लगता है कि म्यांमार में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया को समझ नहीं आती और फिर जो एक्सटर्नल फ़ोर्सेज उससे फ़ायदा उठाती हैं क्या आप उनको ख़ुद वो लीवे देते हैं कि हाँ जी आप आइए और जो मर्ज़ी करें फ़ायदा उठाएं इस इनसिक्योरिटी का इस इनस्टेबिलिटी का सो so बहुत बड़े सवाल पैदा हो जाएंगे और उन सवाल का जवाब फिर आवाम खुद ही ढूँढेंगे आई एल सी यू टमारो